रामटेक विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र मूलक एवं महायुति उम्मीदवार एड आशीष जायसवाल के समर्थकों के बीच बैनर को लेकर हुए विवाद में जहां जायसवाल समर्थक ने मूलक समर्थकों को जान से मारने की धमकी दे डाली, तो वही प्रकरण को लेकर मामले में रामटेक पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। रामटेक में एड आशीष जायसवाल को प्रचार के लिए फिल्म अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर रामटेक आई हुई थी, जिसमें जायसवाल समर्थकों ने मनोहर भगत घर मालक की अनुमति के बिना निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र मूलक के बैनर को घर से निकाल दिया। इसी प्रकरण को लेकर गुरुवार सुबह दोनों गटों के बीच समर्थकों के बीच विवाद हुआ, जिसमें रामटेक पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद एड आशीष जायसवाल के बैनर पुलिस की उपस्थिति में निकाले गए। प्रकरण को लेकर रामटेक थाने में शिकायत भी दर्ज कर दी गई है, जिसके कारण रामटेक में स्थित तनावपूर्ण है। काल इथे सिनेचा कार्यक्रम झाला, हाँ, त्याच्या निमित्ताने इथं घरावरती माझ्या घरासमोर पोस्टर बांधले. मी म्हटलं, रात्री जेव्हा मी 10 वाजता आलो, विचारला तर कार्यकर्ते होते सिनेचे, 50 कार्यकर्ते होते त्यांचे, इथं त्या घराच्या समोर शाळेच्या समोर जिथं कोण कोण कार्यकर्ते होते, काय नाव आहे त्यांचे? त्याचे 4-5 लोकांचे नाव फक्त मला माहीत आहे. हां, एक विजेंद्र महाजन, हां, राजेश किंमतकर, हां, आणि साखरे म्हणून होता एक, हां, दुसरा सुमित कोठारी. अच्छा, सुमित कोठारी. असे 4-5 जण हे याच्यासोबत तोंड वाजलं. आणखी बाकीचे होते तर तुमच्यासोबत जे बनते ते करा, नाही निकालते, तू बाहेर का, तू बाहेर का आया और हमको पळाता क्या? कोठारी म्हणत होता, तू बाहेरच्या माणसाला मदत करते, तू बाहेर वाले को मदत कर रहा है गाववाला, तू तू मैं बोला मैं भी तो यार रामटेक से आया हूँ, म्हणजे भिलेवाड़े से आया, तो तू अभी यहाँ वहां से आया और हमको शिकार आ गया, बोले राजकारण और धमकी दी है, कौन निकालता है तो हम देखते, नहीं निकालते बोले, हाँ अगर तुमने कुछ निकाले भी तो तेरे को जान से मार डालेंगे बोले.